हे गाइस, वेलकम बैक टू शेलराइजर टीचिंग। हमारा आज का टॉपिक है रिलीजियस हिस्टोरियोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो बेसिकली हम एंशिएंट इंडिया की रिलीजियस हिस्टोरियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो रिलीजियस हिस्टोरियोग्राफी है एंशिएंट इंडिया की, वो किसने शुरू करी या फिर किसके थ्रू इंडियन रिलीजन को पढ़ा गया, समझा गया और लिखा गया। तो बेसिकली इसकी जो शुरुआत है वो डीडी कौसंबी के थ्रू होती है। वो अपनी अप्रोचेस में क्या, कौन कौन सी अप्रोचेस को इम्पोर्टेंस देते हैं। सबसे पहले वो मार्क्सिस्ट अप्रोच को इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके बाद वो ये देखते हैं कि पोस्ट वेदा के बाद कौन कौन से जो कल्ट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे कि पोस्ट वेदा के बाद हमारा बुद्धिज्म आता है, जैनिज्म आता है, शैविज्म आता है, वैष्णविज्म आता है और एक एस्पेक्ट पर ब्रह्मनिज्म भी आता है। तो कौन कौन से कल्ट निकले, कितना कुछ हुआ रिलीजन में एंशिएंट इंडिया में, ये सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश सबसे पहले डीडी कौसंबी के थ्रू की गई थी। अब बात करते हैं कि जो मार्क्सिस्ट हैं उनके क्या अप्रोच है टुवर्ड्स द रिलीजियस हिस्टोरियोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो बेसिकली मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जो रिलीजन है उसको उस टाइम पे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो किंग्स है वो सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर को बैलेंस कर सके। उसके बाद जो रूलिंग क्लास थी वो भी उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते थे ताकि वो जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको आराम से डोमिनेट कर सके। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जो क्लास स्ट्रगल चल रहा था, जो भी मटेरियलिस्टिक कंडीशन थी सोसाइटी की, वो बेसिकली ड्यू टू रिलीजन थी। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं जो सोशल इनइक्वालिटीज है उन्हें प्रमोट कर रहा था। ठीक है, और मार्क्सिस्ट ये भी कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम अराइज हुआ है ये बिकॉज ऑफ रिलीजन ही हुआ है। अगर रिलीजन, उनके अकॉर्डिंग जो रिलीजन है वो एक बेस है टू फॉर्म द कास्ट सिस्टम। अब उसके बाद बात करते हैं आर एस शर्मा का एक आर्टिकल है जिसका नाम है मटेरियल मिलियो फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म। वो वेदा की स्टडी करते हैं, वेदिज्म की स्टडी करते हैं, सोशल सिस्टम की स्टडी करते हैं। वो बेसिकली नेचर ऑफ गॉड के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से जो रिचुअल्स है वो चेंज हो रहे हैं और जैसे जैसे रिचुअल्स चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, रिलीजन भी चेंज हो रहा है। उनके अकॉर्डिंग पहले लोग ऋग्वेदा के टाइम पे लोग क्या करते थे, ऋग्वेदा के टाइम पे नेचुरल गॉड होते थे, मतलब नेचुरल गॉड की वर्शिपिंग होती थी। जैसे कि लोग पहाड़ों की, पेड़ों की, धरती की, आग की, हवा की, पानी की, इन सब की पूजा करते थे। लेकिन आर एस शर्मा कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम बदला धीरे धीरे ये नेचर गॉड जो है ये रॉयल गॉड में कन्वर्ट हो गए। अब रॉयल गॉड कहने से क्या मतलब है, रॉयल गॉड कहने से मतलब है जैसे इंद्रा, विष्णु, शिवा, ये सब धीरे धीरे वर्शिप इनमें आने लगे। ठीक है, उसके बाद जो स्टेट फॉर्मेशन थी उसके ऊपर भी रिलीजन का काफी ज्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, और जो एग्रीगेरियन प्रैक्टिसेस थी, मतलब कि एग्रीगेरियन होता है जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी, वो सभी धीरे धीरे चेंज होने लगी। अब जो किंगशिप का नेचर था वो भी चेंज हुआ। किंगशिप का नेचर कैसे चेंज हुआ, पहले जो एक तरीके से किंग को या फिर लीडर को कैसे डिनोट किया जाता था उसको गोपति बोला जाता था। गोपति मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा गाय हो। लेकिन धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो भूपति में कन्वर्ट हुआ। भूपति यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन हो। अब हम बात करते हैं जनगणना एंड सुकुमारी भट्टाचार्य। जनगणना ने बेसिकली वैष्णविज्म एंड शैविज्म के ऊपर ज्यादा काम किया है और सुकुमारी भट्टाचार्य ने भी शैविज्म के ऊपर ज्यादा काम किया। ठीक है, तो इनका जो अप्रोच है टुवर्ड द एंशिएंट रिलीजन वो बेसिकली टेक्स्ट सेंट्रिक है। ठीक है, और ये लिंग्विस्टिक चेंजेस पर ये ज्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सुवीरा जयसवाल की। इनकी जो बुक है दैट इज ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैष्णविज्म, ये आर्यनाइजेशन की बात करती है कि किस तरीके से जैसे जैसे आर्यंस आए, जैसे जैसे ऋग्वेदा, वेदा, लेटर वेदा आया, तो उसी वजह से क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ अवतारवाद हुआ। अवतारवाद क्या है कि एक गॉड है विष्णु, ब्रह्मा एंड शिवा, इन तीनों को सुप्रीम गॉड माना गया है। इनके जो अवतार है जैसे कि विष्णु के अवतार कृष्ण, फिर राम, इसी तरीके से शिवा के जो अवतार हैं जैसे कि शिवा के अवतार में पशुपति है, रुद्रा है, तो इन सबको यहाँ पे अवतारवाद की जो डेफिनेशन है वो सुवीरा जसवाल ने दी। उसके बाद जो आइडिया है ये पोस्ट मॉडर्न बेस्ड है। इन्होंने भी
आर.एस. शर्मा की तरह एग्रीगेरियन सिस्टम की बात की है, ठीक है। और इन्होंने ये कहा है कि जो गॉड एंड बिलीफ है पुराने वाले, वो सब एक टाइम पे आके ब्रह्मनिज्म के अंदर एब्जॉर्व हो जाते हैं। वो कहती है कि एक टाइम ऐसा आ जाता है जहां पर वैष्णविज्म हो, शैविज्म हो, ये सब जितने भी हिंदू रिलेटेड रिलीजन है, वो धीरे धीरे ब्रह्मनिज्म में वो कंक्लूड करने की कोशिश करती है। उसके बाद डीएन झा एंड गारासीमा की बात करते हैं। ये बेसिकली टेम्पल टाउन इन साउदर्न इंडिया की बात करते हैं, अर्बनाइजेशन पे फोकस करते हैं। अब जो मेन काम है हिस्टोरियोग्राफी पे रिलीजियस की, वो एन.एन. भट्टाचार्य है या फिर के.एम. श्रीमली है, ठीक है। ये लोकल, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मेन स्ट्रीम रिलीजन है उसी पर फोकस कर रहे हैं, ये लोकल रिलीजन पर भी ज्यादा फोकस करते हैं। ये मदर गोडेस की बात करते हैं, शक्ता कल्ट की बात करते हैं, शक्ता पितास की बात करते हैं, पोस्ट गुप्ता शक्ता रिलीजियस ट्रेडिशन की बात करते हैं, ठीक है। ये पुराना की बात करते हैं, पुरानिक रिलीजन की बात करते हैं। उसके बाद ये भी कहते हैं कि जो कल्चर था पहले वो यजना बेस्ड कल्चर था, मतलब कि पहले लोग ऋग्वेदा के टाइम पे यज्ञ करते थे, तब जाकर वो अपनी पूजा को फिनिश करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये पूजा बेस्ड कल्चर में हुआ, अब यहाँ पर मूर्तियों की पूजा होने लगी, तो ये कल्चर भी धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, ठीक है। ये ज्योग्राफी ऑफ पुरानास भी देखते हैं। उसके बाद ये ब्रह्मनिकल सिस्टम के बारे में भी बात करते हैं। तो अपनी हिस्टोरियोग्राफी में ये इन सारे पॉइंट्स, इन सारे एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो बेसिकली ये शॉर्ट नोट्स हैं रिलीजियस हिस्टोरियोग्राफी ऑफ एंशियंट इंडिया के ऊपर। थैंक यू।